के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और अन्य कार्यक्रमों का अवलोकन भी किया। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 72वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को इसी स्थान पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे और 26 जनवरी को मुख्य अतिथि प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर सूर्य नमस्कार के साथ योगा प्रदर्शन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के कार्यक्रमों में रिहर्सल करवाई गई है। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए समारोह में हरियाणा पुलिस की पुरुष एवं महिलाओं की टुकड़ियों के साथ साथ होमगार्ड्स की टुकड़ी भी मार्च पास्ट में भाग लेंगी। समारोह में विभिन्न विभागों की विकासात्मक झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों के टीम प्रमुखों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्य कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए, कार्यक्रम के लिए कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखें और जो भी ड्रेस कोड कार्यक्रमों के लिए बनाया गया है उसी वेशभूषा में ही अपने कार्यक्रमों का प्रदर्शन करें। एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दृष्टिगत गणतंत्र दिवस समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस तरह के कार्यक्रमों में आमजन की विशेष भूमिका होती है, इसीलिए किसी भी संदिग्ध और असामाजिक तत्व के बारे में पता चलने पर उस सूचना को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। इस मौके पर एडीसी डॉक्टर मनोज कुमार, एसडीएम सवप्रील पाटिल, नगराधीश रविन्द्र मलिक, डीएसपी सतीश वत्स के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार भी उपस्थित रहे। किस तरह के विशेष सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पानीपत में ध्वजारोहण कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 3 लेयर की सिक्योरिटी है, इनर कॉर्डन, मिडिल कॉर्डन, आउटर कॉर्डन। जैसा कि आपको आज न्यूज़पेपर में भी आया, हमने कल किसान नेताओं के साथ बैठक की थी, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि हम ये गणतंत्र दिवस जो है ये राष्ट्रीय पर्व, इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न न करेंगे और मुझे पूरा आशा है कि हम इसे शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक से संपन्न करेंगे। पानीपत पुलिस इसकी सुरक्षा जिम्मे संभालेगी, क्योंकि बाहर की कंपनियां भी कुछ मंगवाई हैं, सीआरपीएफ वगैरह को अकेले संभालने का जिम्मेदार है वो, है यू विल बी एबल टू हैंडल इट। और जैसा मैंने कल भी बताया था कुछ मीडिया कर्मियों को कि प्रोग्राम कितना भव्य होता है आप लोग पे डिपेंड करता है, जनता पे डिपेंड करता है, कुछ परसेप्शन नहीं होगा तो पूरा प्रोग्राम जैसे पहले होते हैं वैसे ही बिना किसी अड़चन के। ठीक है सर, कुछ प्रतिबंध के लिए कुछ जारी भी की, कोई एडवाइजरी जारी की है? समय समय पर एडवाइजरी निकाली गई लास्ट 2-3 दिन में, और सब आपके न्यूज़पेपर में ही आया है कि जो होटल हैं उनकी चेकिंग हो रही है, बाहर से लोग आए हैं उनकी चेकिंग हो रही है, कौन कौन क्या मूवमेंट है, गश्त पड़ताल बढ़ गई है। और बस लोगों से यही निवेदन है कि शांति बनाए रखें और राष्ट्रीय पर्व में हम सबका सहयोग करें, सफलता। जैसे आपने सभी ने देखे आज की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल थी, जिस तरह से आज जिस सीक्वेंस में गतिविधियां हुई हैं, परेड हुई हैं, झांकियां हुई हैं और दूसरे आइटम हुए हैं, उसी सीक्वेंस में होंगे और कुछ प्रोग्राम जैसे भाषण है या पुरस्कार वितरण वो एडिशनल होंगे। और आज का फुल ड्रेस रिहर्सल का पर्पज ये होता है, आज के में अगर कोई कमियां हैं तो उसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सके। टोटल कितने कार्यक्रम होंगे और विशेष क्या रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का ध्वजारोहण प्रोग्राम है? देखो, शुरू में सबसे पहले आते हैं परेड निरीक्षण होता है, मार्च पास्ट होता है, भाषण होता है, उसके बाद फिर ये होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, झांकियां होंगी, पुरस्कार वितरण वगैरह होंगे। कोरोना काल से गुजर के आए हैं तो कोई खास विशेष महत्व तो होगा कि उसमें कोई इस तरह की झांकी होगी? हाँ, वो अलग अलग विभाग के अलग अलग हैं, अपने अपने जो स्कीम्स हैं, जो जिसकी अवेयरनेस पब्लिक को चाहिए, और स्पेशल कोई स्कीम है किसी की तो अपने अपने विषय पर सभी सभी विभागों ने अपनी अपनी झांकियाँ तैयार की हैं और वो झांकियाँ अपने प्रदर्शन करेंगे। सर, कल किसानों का बैठक, क्या आश्वासन दिया सर उन्होंने? किसानों से बैठक हुई है, सभी ने आश्वासन दिया है कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने अपना इरादा दिखा दिया है और प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी की है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन सुरक्षा तो पूरी इंजाम करते हैं।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।